Hello everyone, welcome back to my channel. Suchita here and I am also back. I know it's been long that I did not make any video, my video, and give you some knowledge about anything, whether it's aviation, whether it's makeup, or as you know, my diary is about everything. When we say diary, and I think I already spoke about it many times in my videos today. I have so many things to tell you, you know, but I don't know from where to start because there were so many things were happening in my life, and it has been, a change which I have never asked for, but we should go with the flow, and वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. बस आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ because you know if something is going on in our life and we will not try to come back to normal, then I might get sick, I might get so many things. Anyways, I'll not talk about it. आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, और जिसको ये वीडियो नहीं देखना है वो प्लीज़ वीडियो छोड़ सकता है. ये वीडियो स्पेशली एयरलाइन क्रू के लिए है जो एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, और आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाइए. स्पेशली मैं बना रही हूँ क्योंकि ये इन दिनों में जितने दिन में नहीं थी, इन टू एविएशन का वीडियो जब तक मैं नहीं बना रही थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिली है. पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ. थंबनेल आप देख चुके हैं कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी देखे, बच्चे भी देखे, और जिनको एयर होस्टेस बनना है वो भी देखे, और जिनको एयर होस्टेस नहीं बनना है लेकिन उनके माइंड में देर इज़ सम अदर काइंड ऑफ यू नो पिक्चर अबाउट द एयर होस्टेस, आई थिंक इट माइट आई विल बी एबल टू चेंज इट. आई नो आई कैन नॉट चेंज इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग. सो जब मैं जॉब छोड़ के आई थी, मैंने बहुत वीडियोस में बताया कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग समथिंग डिफरेंट एंड ऑल दैट. वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं. मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो है ये एक्चुअली, कि आप ग्रूमिंग पे बनाइए और बताइए रोस्टर्स की जब जॉब छोड़ देते हैं तो क्या होता है. बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने मुझे बोला है, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी. फर्स्ट आई विल टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, एंड जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे आई एम टॉकिंग माई हार्ट आउट. मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, बट इतनी डिटेल में नहीं बताया है. देखिए, जब हम एयर होस्टेस फ्लाई कर रहे होते हैं, सडनली हम लोग जब नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, वंस यू फ्लाई मोर देन 8 years, 9 years, तो आप एक नॉर्मल लाइफ में आते हो, ठीक है. तो लोग आपको एक अलग तरीके से देखते हैं. कुछ लोग आपको इंस्पिरेशन समझते हैं, कि आपसे इंस्पायर्ड होते हैं. कुछ लोग समझते हैं कि एयर होस्टेस ही तो थी, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो मैं जिस इन्वायरमेंट में हूँ, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन हाँ, समटाइम्स यू डोंट हैव टू से इट, यू नो, टू पास सम मैसेज टू समबडी. सो आई विल नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग. मैं टाइम भी देख रही हूँ, इट्स ऑलरेडी 3 minutes, लेकिन मैं इसको इतना लंबा नहीं करूँगी कि आप बोर हो जाए. तो मैं शॉर्ट में कुछ बताना चाहती हूँ. देखिए, बहुत जब मैं एयर होस्टेस बनी थी, मैंने शायद शेयर किया था कि मैं ऐसी जगह से आई थी, बहुत जॉइंट फैमिली से आई थी, और ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली से आई थी कि मुझे नहीं पता था कि एयर होस्टेस क्या होता है. अंटिल अनलेस माय फादर एनरोल मी टू एन एयर होस्टेस अकेडमी इन देहरादून एंड आई वेंट देयर, तब भी मुझे नहीं पता था कि एयर होस्टेस की लाइफ क्या होती है. एंड आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड इन कतार एयरवेज. तो जब मैं वहाँ गई तो आई वॉज अ ब्रांड न्यू, यू नो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैबिन क्रू. तब मुझे ये भी नहीं पता था कि वी आर सपोज टू सर्व ट्रेज, जिसके लिए लोग ऐसे कहते हैं. लेकिन आज एयर होस्टेस एक ग्लैमर लाइफ की तरह से देखा जाता है, और बहुत सारी स्टोरीज है बिहाइंड दिस एयर होस्टेस एंड ऑल दैट, बट ऐसा नहीं होता है. डोमेस्टिक का, जैसा कि मैंने बहुत वीडियो में कहा है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स द नॉर्मल लाइफ लाइक जेट लैग और उनका मूड स्विंग्स एंड व्हाट दे गो थ्रू, हाउ दे यू नो फेस एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस इन द लाइफ, आई डू अंडरस्टैंड. बट येस, बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो अबाउट दैट, जो मेरा थंबनेल है, मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया बेस्ड जो क्रू है, उनका एक एडवांटेज है कि दे आर क्लोज टू देयर फैमिली, दे आर क्लोज टू देयर लव वंस, दे आर क्लोज टू देयर बॉयफ्रेंड, फियांसे, वट एवर यू कैन से, दे आर वेरी क्लोज. इंटरनेशनल में एक डिसएडवांटेज है कि यू डोंट सी योर फैमिली वेरी ऑफन. जब आपको फ्लाइट मिलती है तब भी आप लड़के झगड़ के रो धो के स्वॉप कर लेते हो या रिक्वेस्ट कर लेते हो, और मे बी यू गेट फ्यू डेज ऑफ, 3 days, 4 days off, एंड यू सी योर पेरेंट्स, यू सी योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड एंड योर लव्ड. So that is the problem over there. So हम लोगों को, मैं सीधे इंटरनेशनल में गई, एंड there was a very long distance. Even now he's my husband, but I was having a long distance with my boyfriend.
मेरी फैमिली ऑफ कोर्स मैं देहरादून में थे, आई मीन देवर इन कोटद्वार, सो दे हैव टू कम ऑल द वे टू दिल्ली और आई हैव टू गो टू ऑल द वे टू कोटद्वार, इट वॉज हैसल 4 दिन में. तो बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, वो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगी. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है, मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. तो पहली बात है कि यू डोंट मिक्स इट. मे बी देर आर मेनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट नाउ, आई एम स्टार्टिंग द वीडियो, सो प्लीज इसे बिल्कुल भी मिस मत करना. सी आई स्टार्ट फ्रॉम द फ्लाइट डेक. फ्लाइट डेक मतलब पायलट से शुरू करूंगी, फिर मैं जाऊंगी सेफ्टी पे, फिर मैं जाऊंगी फर्स्ट एड पे क्विकली एंड देन आई विल टेल यू कि एयर होस्टेस असल में है क्या. लोगों का एक डायलॉग होता है यार क्या है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो एयर होस्टेस बन जाओ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लो और एयर होस्टेस बन जाओ, यू आर लेजी आप एयर होस्टेस बन जाओ. ऐसा नहीं होता है. एयर होस्टेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कुछ लोगों को वो बहुत गलत है, और कहते हैं ना माउथ टू माउथ टॉक. वो जाती है फिर बच्चा भी सोचता है, लड़की भी सोचती है यार ठीक है क्या सही है क्या गलत है, समथिंग लाइक दैट, वट एवर, आई विल नॉट गो इन टू दैट. बट मैं आपको बताती हूँ क्विकली क्या है. देखिए यहाँ इंडिया में जो रूल मैंने देखा है, जो पीए मतलब पैसेंजर अनाउंसमेंट जो होती है वो फ्लाइट डेक से कैप्टन करता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल में नहीं है. इंटरनेशनल में यू आर द लीडिंग, लाइक फॉर मी आई वॉज द कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर, तो आई वॉज द इंचार्ज ऑल ओवर. मैं कैप्टन को पास करूंगी इंफॉर्मेशन, आई एम सपोज टू मेक अ पीए, आई एम सपोज टू गिव द कमांड फॉर डिजार्मिंग एंड आर्मिंग. सो आई विल टेल यू समथिंग, व्हेन यू गो फॉर द ट्रेनिंग इट्स अ सेफ्टी ट्रेनिंग, इट्स नॉट ईजी. आपको लग रहा है कि बस ये गए, इन्होंने एक एग्जाम दिया, एयर होस्टेस बन गए, बस इसके बाद ये फ्लाई करते रहते हैं. जी नहीं, आई विल टॉक अबाउट द सेफ्टी. आपने कितनी इमरजेंसी लैंडिंग सुनी होगी, कितने केसेस सुने होंगे ऑन बोर्ड, वो सारे के सारे एक सिंगल हैंडेड एक लेडी और अ बॉय, आई मीन स्टूवर्ड, मेल कैबिन क्रू और फीमेल कैबिन क्रू वही हैंडल करते हैं. तो अगर मेल लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई टेल यू इट्स नॉट डीमीनिंग जॉब नहीं है ये, इट्स वेरी गुड, इट्स लाइक इट्स अमेजिंग. ये आपकी लाइफ चेंज कर देता है. जिनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं. बीच में एक चीज़ और इंटरप्ट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो आउट आई डोंट पुट माई मेकअप, आई जस्ट गो आउट एंड आई कैन वॉक कॉन्फिडेंटली, ये इस जॉब ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है. लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं मेरे आसपास जो एक काजल और लिपस्टिक के बिना भी बाहर नहीं जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे कितने वीडियोस देखे हैं, मैंने कभी तैयार होकर ऐसे वीडियोस नहीं बनाए हैं. क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है. आई हैव डन विद ऑल दैट. मैंने बहुत मेकअप लिपस्टिक ये वो करके सब छोड़ दिया है. ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात है कि हमें कॉन्फिडेंस आता है. चलिए आई टॉक अबाउट द सेफ्टी. सेफ्टी के एग्जाम होते हैं, आपको मैनुअल दिया जाता है, ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आप किस 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 के कैपेबल हैं, आपको ये एग्जाम्स पास करने हैं. जितनी भी फ्लीट होती हैं एयरक्राफ्ट की इंडिया में, तो आप एक फ्लीट फ्लाई करते हो और मैक्सिमम टू. आप जब बाहर होते हो आप 7 to 8 फ्लीट्स फ्लाई करते हो, जिसमें 320 से लेके 380 तक भी होता है. तो वो सारे आपको एयरक्राफ्ट टाइप याद करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम फ्लाइंग इन 320, बट सडनली मुझे बोलेंगे कि नहीं आप 380 में लंदन जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है मुझे उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? यस, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि 380 में कैसे डोर होते हैं, कैसे इवैक्यूएशन होती है, कैसे रीचिंग की जाती है, कैसे पैसेंजर्स को सेव कर सकते हैं, कैसे इमरजेंसी अलार्म्स होते हैं, स्मोक अलार्म होते हैं, हाउ विजिलेंट आई एम सपोज टू बी. तो ये एक पार्ट हुआ. तो आप प्लीज ये मत समझिए कि एयर होस्टेस को पढ़ाई नहीं करनी है, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है. नथिंग इज लाइक दैट. वी आर ऑल्सो एजुकेटेड. मैंने शायद पहले वीडियो में बताया था, माई फ्रेंड्स मेरे खुद के दोस्त हैं जो एयर होस्टेस थे लेकिन नाउ दे आर पायलट, एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस दैट ऑल्सो, दैट मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर हैं दे वर फ्लाइंग, प्रोफेसर हैं वो अपना पैसा वगैरह अर्न करके अपना पैसा एक जोड़ के दे रिजाइन एंड दे गो बैक. तो ये हुई सेफ्टी की बात. इसमें क्या होता है, आपके एवरी 6 months देर इज एग्जाम एंड एवरी ईयर देर इज अ रिकरेंट, वो भी आपको एग्जाम क्लियर करने हैं, वो मार्क्स आपके जुड़ते हैं. जैसे एक सॉफ्टवेयर वाला और एक आईटी वाले जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट में होते हैं, कॉर्पोरेट वालों का जो परफॉर्मेंस स्केल होता है, द सेम वे वी ऑल्सो हैव दी स्केल. नाउ आई विल टेल वन मोर थिंग इन बिटवीन, व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो इन हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम हिंदी में भी बनाओ, मैम इंग्लिश में भी बनाओ, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक. तो ये दोनों वीडियो बना रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो प्लीज आप समझ लीजिए, किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है. चलिए लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. दिस इज अ फर्स्ट एड ट्रेनिंग. फर्स्ट एड ट्रेनिंग का मतलब होता है इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू हैव अ फीवर, योर चाइल्ड हैज अ फीवर, अस्थमा हो गया, हार्ट अटैक, डिलीवरी, एवरीथिंग वी आर केपेबल टू डू बिकॉज वी गेट थ्रू द ट्रेनिंग, वी क्लियर द एग्जाम एंड देयर इज ऑल्सो पासिंग एग्जाम्स. हमें मेडिसिन के नाम याद रखने होते हैं, हमें इक्विपमेंट्स के नाम याद रखने होते हैं, हमें बहुत चीज़ें याद रखनी होती है, हमें साइन एंड सिम्टम्स याद करने होते हैं. और बहुत सारे अपने हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, काफ़ी एयरलाइन में जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई है या फिर कोई मेडिकल इशू हुआ है, डिलीवरी ऑन बोर्ड हुई है, वो भी एक एयर होस्टेस ने ही हैंडल की है. और वही एयर होस्टेस है जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि
पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना तो एयर होस्टेस बन जाओ, ऐसा नहीं है। आई अंडरस्टैंड 10+2 की उसमें एलिजिबिलिटी मांगी है, बट उसके रीज़न है। देखिए, इंडिया में ग्रेजुएशन को मायने दिया जाता है ज़्यादातर देन दी 10+2, बट बहुत सारी बाहर कंट्री हैं जिनमें 10th को बोला जाता है कि दे आर ग्रेजुएट, 12th का बोला जाता है कि दे आर ग्रेजुएट। तो ये क्राइटेरिया एएलआई ने 10+2 का बनाया है, क्योंकि 10+2 इज़ अ बोर्ड एंड इसके बाद कॉलेज होता है, तो वो इसी वजह से बना हुआ है, ड्यू टू दिस थिंग। 10+2 का मतलब ये नहीं है कि जो भी एयर होस्टेस बने हैं उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो पढ़ नहीं सकते हैं, या उनको सिर्फ यही ट्रे सर्व करनी है। तो पहली तो गलतफहमी ये आप लोगों की है। फर्स्ट एड का मैंने बहुत शॉर्ट में क्लियर किया है। नाउ विल क्लियर अबाउट दिस सर्विस। आपको पता है कितने सारे होटल्स हैं, ताज हो गए, रेडिसन हो गए, हयात हो गया, एंड दोहा में देख ली रमदा होटल हो गया, या फिर आप दुबई में चले जाइए, 5-7 स्टार होटल में जब आप जाते हैं तो आप सोचते हैं, यू नो, थोड़ा सा एवरीबडी इट्स अ नॉर्मल के माई गॉड, एम्बियंस इज टू गुड, हॉस्पिटैलिटी इज टू गुड, द वे दे सर्व, एंड देर आर सो मेनी फूड एंड सैलेड, डिजर्ट जो आपने कभी नाम नहीं सुने हैं, वाइन्स, एल्कोहल, मॉकटेल, कॉकटेल्स, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ ड्रिंक। यू नो वॉट, आई टेल यू वन थिंग, वी नो मोस्ट ऑफ द 80% थिंग्स ओवर देयर। मतलब हमें हॉस्पिटैलिटी की वाइन्स पता होती हैं, हमें अल्कोहल के बारे में पता होता है, हमें खाने के बारे में पता होता है, एंड वी नो क्या सर्व होता है, क्या किसके साथ सर्व होता है, कौन सी डिश किसके साथ जाती है, कौन से कॉन्डिमेंट्स किसके साथ जाते हैं, और इसका टेस्ट कैसा होता है, एंड हाउ वी आर सपोज टू आस्क, हाउ वी आर सपोज टू सिट, हाउ वी आर सपोज टू ईट, वट वी आर सपोज टू एक्सपेक्ट आफ्टर दैट, लाइक हॉट एंड कोल्ड टॉवल्स, एंड यू नो वी नो हाउ इट गोज। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टर जाता है, मेन कोर्स जाता है, सैलेड जाता है, डिजर्ट जाता है, उसके बाद आप कुछ ड्रिंक पूछ सकते हो, व्हाटएवर इट इज, आई मीन वी आर वेल मैनर्ड, आई मेंट। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा फूड, या फिर आपको लगता है यार हम तो उस एयर लाइन में गए थे, उन्होंने तो ये वाली वाइन सर्व की थी, उन्होंने ये वाली बियर सर्व की थी, बट वी ऑलरेडी नो, राइट? सो मैं आपको ये वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि वी आर हाईली एजुकेटेड अबाउट सो मेनी थिंग्स विच यू कांट इवन एक्सपेक्ट, ठीक है? और हाइजीन में भी वी आर वेरी वेरी वेरी, आर स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई। मैं आपको बता रही हूँ, वी यूज सैनिटाइजर, वी क्लीन आर क्लोथ्स, वी कीप एवरीथिंग क्लीन, वी सेपरेट आर थिंग्स, वी ऑर्गेनाइज आर थिंग्स, वी डू मेकअप, एंड वी डू प्रोफेशनल मेकअप विच विल बी स्टेइंग फॉर 24 hours, एंड वी आर वेरी विजिलेंट, वी आर वेरी स्मार्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, सो प्लीज डोंट थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एन होस्टेस, एंड ऑफकोर्स आई एम, इट वॉज अ गिफ्ट फॉर मी, आई थिंक गॉड हैज़ गिवन मी अ वेरी नाइस गिफ्ट, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है कि मुझे जहाँ से मैं आई थी वहाँ से उठा के जब मुझे कतर में भेजा, तो यू नो आई कुड ग्रूम माई सेल्फ, आई कुड ब्रश माई सेल्फ, एंड आई कुड लर्न सो मेनी थिंग्स, आई हैव सीन सो मेनी कंट्रीज विच पीपल आर थिंकिंग नाउ कि चलो हॉलीडे पैकेज लेके चलते हैं। तो ऐसा ऑफकोर्स आई एम ब्लेस्ड एंड आई वॉज ब्लेस्ड। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, प्लीज़ ये गलतफहमी निकाल दीजिए। जब आप किसी एयर होस्टेस को देखते हो तो आप सोचते होंगे हाँ क्या है, सर्विस ही तो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर होमली पीपल, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी हैव मोर नॉलेज देन यू, आई एम सॉरी बट नॉट टू एवरी वन, बट फ्यू पीपल, जिनकी ये गलत फहमी है कि एक एयर होस्टेस है, पढ़ाई नहीं करनी है तो एयर होस्टेस बन जाओ, ऐसा नहीं है। और इसमें ये भी है कि आपको कुछ साल फ्लाई करना है, उसके बाद आप नहीं फ्लाई करना चाहते हैं, यू कैन इमिडिएटली टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 months एंड गो एंड टीच। आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच बन सकते हैं, आप एक ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप सेफ्टी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप फ्रैंकफिन में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एयरोस्टेस इंस्टीट्यूट में आप बन सकते हैं, यू कैन इवन वर्क इन अ होटल एज अ मैनेजर, इवन बेस मैनेजर, यू कैन वर्क एनीवेयर। सो आई होप मेरा वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी लगी थी और मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी। मैंने कल भी कहीं पे, पता नहीं, आई वाज स्क्रॉलिंग यूट्यूब एंड आई सॉ दिस कि कुछ नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है तो एयरोस्टेस बन जाओ, आई फेल वेरी बैड, सो दैट थिंग पुश्ड मी टू मेक दिस वीडियो। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट to be in touch with you all. Anyways, मैं कुछ ना कुछ तो post करती रहती हूँ just to you know to tell the YouTube that I'm alive and I am making the videos and I am posting the videos, jokes apart, but yes. And one more thing,
वी गेट द मैनुअल्स ऑल्सो, सेफ्टी मैनुअल भी मिलता है हमको, फर्स्ट एड मैनुअल भी मिलता है हमको, डेंजरस गुड की जो ट्रेनिंग है वो भी हमारी होती है, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग भी हमारी होती है, डिचिंग भी होती है, एंड यू नो हाउ टू सेव इन द वाटर, हाउ टू सेव इन द एयर, एंड आई मीन एयर मतलब नॉट दैट, आई मीन डीकंप्रेशन एंड ऑल, हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, जब आपका बच्चा लैंडिंग के टाइम रोता है तो वो क्यों रो रहा है, एंड वट टू वट इज़ द ट्रीटमेंट. तो प्लीज़ वो बहुत कुछ पढ़ाते हैं, और बिना पढ़ाई लिखाई के वो कोई भी एयर होस्टेस नहीं बनता, बिना ट्रेनिंग के कोई भी एयर होस्टेस नहीं बनता, और वो ट्रेनिंग हर साल रिपीट होती है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट्स अ रिकरेंट ट्रेनिंग. और जो लॉन्ग अनपेड लीव पे जाता है, या फिर थोड़ा एक महीने के लिए कहीं लीव पे जाता है, या दो महीने के लिए जाता है, उनकी रिफ्रेश ट्रेनिंग भी होती है, विच इज़ एवरी 6 months. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो, प्लीज़ पुट अ कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है. और बाकी जिन लोगों ने मुझे 2-3 वीडियो बनाने के लिए बोले हैं, 2-3 नहीं है आई थिंक, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैं अभी आपसे अपोलोजाइज कर रही हूँ वीडियो में, आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई कुड नॉट मेक द वीडियो, वाई आई वॉन्टेड सम टाइम एंड आई हैव टेकन टाइम, बट आई विल नाउ ट्राई माई बेस्ट टू बी यू नो पंक्चुअल एंड गिव यू द वीडियोज वट एवर यू आस्क फॉर, एंड टू बी इन टच. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक द वे यू डू. आई नो मैं कितना भी दूर रहूँ लेकिन मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इंस्टा में भी इनबॉक्स आते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू आंसर यू ऑल इंडिविजुअली, बट आई एम सॉरी इफ आई कैन नॉट डू इट समटाइम, प्लीज अंडरस्टैंड मी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई एम सेटलिंग इट डाउन, यू नो. Now, last week only I moved from another place to another place with my husband. I had the option to shift my job and get the job or something. This is another topic, but I did not. I have decided to stay with him because it was a very long distance before. So I thought now life is very small, why not to stay together and do some work. Ghar se. Anyways, I'll get it there later and I will make another video, another topic, and definitely... I will try to answer you all, and I hope you like the video. Thank you so much. Take care of yourself. Good luck. Have confidence. That's it. And you are beautiful, everybody. And the male crew also, you're very smart. So don't worry if you're serving in some there, in any airline or hotel, you're doing a great job. Don't worry. Bye bye. Take care. Ciao ciao.